दोस्तों, इससे पहले मैंने दो स्विच और दो सॉकेट वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें सिर्फ दो स्विच और दो सॉकेट को किस तरह से चलाया जाता है यही बताया गया था। लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत सारे स्विच लगाने वाला हूं और दो स्विच और दो सॉकेट अलग से लगाने वाला हूं। तो इसमें इतने सारे स्विच किस तरह से लगाए जाते हैं ये भी बताऊँगा, और उनको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, यानी उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, फ़ैन वगैरह और बल्ब वगैरह में उसको कैसे कनेक्ट करते हैं या कैसे उसके कनेक्शन करते हैं। और ख़ास तौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो इस काम में नए नए हैं या नए मैकेनिक हैं, तो उनको जब ये वीडियो देखेंगे तो बहुत जल्दी ये सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा और किसी भी बोर्ड को अच्छे से लगाना सीख जाएंगे और कनेक्शन करना भी सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसमें एक सॉकेट लगा लिया है, अब चलिए दूसरी तरफ भी इसी को दूसरा वाला सॉकेट लगाए जाएंगे इसी तरह से जैसे इसमें लगाए हैं, यानी यहाँ पर कोई पेच वगैरह इसमें नहीं लगाए जाते, सिर्फ यहाँ पर इसमें लॉक होते हैं जो इन लॉक को बैठाते हैं। अब देखिए, ये स्विच बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ से जैसे हम इसको नीचे की ओर दबाएंगे तो ये नीचे दब जाएगा और जैसे ही ऑफ करेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। ये मॉड्यूलर स्विच में फ्लैट स्विच आता है जो कि बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये अंदर की ओर दब जाता है, और जब इसको ऑफ करते हैं तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाता है। तो इसीलिए इस स्विच को फ्लैट स्विच कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर इसके जो बाकी के स्विच हैं उनको भी एक एक करके यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए किस तरह से लगाते हैं, यहाँ इस तरह से रखते हैं और दूसरा लॉक ऊपर की तरफ से अंदर की ओर दबाते हैं तो ये इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठ जाता है। चलिए इसका दूसरा स्विच भी लगाते हैं, इसको नीचे की ओर रखते हैं और अंदर दबा देते हैं। ठीक इसी तरह से इसके और भी जो स्विच हैं उनको भी यहाँ पर एक एक करके इसी तरह से लगाएंगे। सबसे पहले नीचे रखेंगे इस तरह से और फिर नीचे दबा देंगे तो ये आराम से इसका जो लॉक है वो बैठ जाता है। देखिए, फिर दोबारा से समझ लीजिए, इस स्विच को इस तरह से निकालते हैं और यहाँ नीचे रखने के बाद इसे नीचे की ओर दबा देते हैं ऊपर से तो ये अंदर चला जाता है, और इसके जो लॉक है वो इसके बाहर निकलकर इसको लॉक कर लेते हैं और ये बाहर की ओर निकलने नहीं देते। अब देखिए, यहाँ सभी स्विच इसके लगाए जा चुके हैं, दो सॉकेट भी लगाए जा चुके हैं। तो अब देखिए इसे पीछे की ओर से यानी अंदर की ओर से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, स्विच में दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं और सॉकेट में तीन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें फेज़ वाला कनेक्शन पहले करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पर मैं न्यूट्रल वाला करके दिखाऊंगा। तो देखिए, अंदर की ओर से ये दाएं हाथ का सॉकेट की पिन है, वहाँ पर हम न्यूट्रल का वायर लगाएंगे, तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये बाएँ हाथ की ओर यहाँ पर आ जाएगा। तो बाएँ हाथ की ओर हमेशा न्यूट्रल होता है, अंदर की ओर दाएं हाथ की ओर जब हम इसका कनेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक बाहर की ओर ये बाएं हाथ पर इसका न्यूट्रल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ अंदर की ओर से मैं दाएं हाथ की ओर इसमें न्यूट्रल का वायर लगा रहा हूँ, ठीक इसी तरह से जो दूसरा वाला सॉकेट का पॉइंट है उस पर भी मैं दाएं हाथ की ओर ही इसमें न्यूट्रल को लगाऊँगा, और उसके बाद इसे पलट कर दिखाऊँगा कि ये न्यूट्रल हमारा कहाँ पर आ चुका है। चलिए, एक तरफ लगाया गया है, अब दूसरी तरफ भी सॉकेट के दाईं ओर ही न्यूट्रल का दूसरा वाला सिरा लगा देंगे। देखिए, ये यहाँ पर भी दूसरी तरफ इसका जो सिरा है वायर का वो सॉकेट के दाएं हाथ की ओर जो पॉइंट है उस पर लगा देंगे। वैसे अगर आप चाहे तो बाएं हाथ की ओर भी लगा सकते हैं, जब आप को नॉलेज हो जाएगी तो आप अपना आप समझ जाएंगे कि ये न्यूट्रल कहाँ पर लगाया जाता है। आप चाहे तो जहाँ पर भी, चाहे बाएं हाथ पर भी इसको लगा सकते हैं, जब आप समझ जाएंगे तो आपकी समझ में खुद आ जाएगा कि न्यूट्रल हमेशा कहाँ होता है। तो देखिए, यहाँ मैंने दोनों दाएं हाथ की ओर ये न्यूट्रल का पॉइंट लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ ये न्यूट्रल के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पर सिर्फ एक जो न्यूट्रल का वायर होता है वो इसमें लगाया जाएगा और यहाँ न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब चलिए, दोनों तरफ जो इसके स्विच हैं उनमें एक एक वायर इसका फेज़ वाला लगाएंगे। अब यहाँ से हम फेज़ की वायरिंग शुरू करेंगे, तो ऊपर वाला जो स्विच का पॉइंट है वहाँ पर हम दो टुकड़े वायर के लेंगे, एक इस वाले स्विच पर लगाएंगे और दूसरा दूसरे स्विच पर। तो सबसे पहले एक टुकड़ा हम
स्विच के एक पॉइंट पर लगाएंगे और दूसरा वाला सिरा इस वायर का जो बाएं हाथ की ओर अंदर से यहाँ पर बचा हुआ पॉइंट है उस पर यहाँ लगा देंगे, तो ये इसकी फेज की वायरिंग यहाँ से हो जाएगी। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट यानी फेज इसमें यहाँ से घूमता हुआ सॉकेट में चला जाएगा। अब चलिए दूसरा वाला वायर जो हमने एक और बनाया था उसको यहाँ दूसरे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगाएंगे और इसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर लेंगे। और उसके बाद जो इस वायर का दूसरा वाला सिरा है जैसे हमने पहले वाले पर लगाया था ठीक इसी तरह से इस वायर का दूसरा वाला सिरा इस सॉकेट के एक पॉइंट पर देंगे, यानी जैसे हमने पहले वाले सॉकेट को स्विच से कनेक्ट किया है ठीक इसी तरह से इस वाले सॉकेट को भी हम स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हमने एक एक वायर लेकर सॉकेट पर कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से घूमकर सॉकेट में चली जाएगी यहाँ से यूँ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर अब हम जो फेज़ वाली वायर है उसको यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसके जितने भी ये स्क्रूज़ हैं उनको यहाँ से खोलेंगे या इसके पेच हैं उनको यहाँ से खोलेंगे। चाहे तो आप ऊपर वाले पॉइंट पर भी लगा सकते हैं और चाहे तो नीचे वाले पॉइंट पर भी आप इसमें एक कॉपर का वायर लगा सकते हैं, यानी इसका पीवीसी उतारने के बाद जो अंदर से कॉपर निकलता है उसको यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने चाहे तो आप नीचे भी लगा सकते हैं और चाहे तो ऊपर भी, वैसे नीचे की ओर लगाना अच्छी बात है। मैं इसको ऊपर भी इसलिए लगाकर दिखा रहा हूँ जिससे कि आप अगर ऊपर लगाना चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी आपको सप्लाई मिल जाएगी। नीचे इसलिए लगा लेते हैं कि ऊपर जब हम ऊपर वाले पॉइंट पर फैन या बल्ब के कनेक्शन करते हैं तो आसानी हो जाती है और वहाँ पर ऊपर ही इसके पॉइंट के वायर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से आर पार इसमें एक हमने वायर छिला हुआ वायर अंदर की ओर डाल दिया है और अब इसके बाद इसके जितने भी ये पेंच वगैरह हैं उनको यहाँ से टाइट कर देंगे। अब यहाँ से चाहे तो आप इसमें इन्वर्टर की वायरिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप इन्वर्टर की वायरिंग करना चाहते हैं तो वहाँ से जितने स्विच भी आप ले सकते हैं वहाँ से इसका जो ये बीच में हमने एक वायर डाला है छिला हुआ इसको कट करके अलग अलग बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को ऐसे ही बना देता हूँ, इसके बाद जब मैं अगली वीडियो बनाऊँगा तो मैं इन्वर्टर और लाइट के अलग अलग कनेक्शन करने के तरीके आपको बता दूँगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ बिजली का ही वायर इसमें करके दिखा दूँगा और सिर्फ एक नीचे वाले सॉकेट में अलग से वायर करके दिखा दूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इन्वर्टर किस तरह से लगता है। लेकिन इन्वर्टर के ऊपर इन्वर्टर वाली वायरिंग जो होती है उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूँगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक वायर हम और लेंगे और जो जहाँ पर हमने छिला हुआ वायर लगाया है वहाँ एक इसका सिरा वायर का लगाएंगे और दूसरा वाला सिरा हम यहाँ एक सॉकेट पर लगा देंगे, किसी भी एक सॉकेट पर। अगर आप इन दोनों सॉकेट को बिजली से चलाना चाहें तो दोनों की वायरिंग इसमें दोनों जो स्विच हैं उसमें एक छिला हुआ वायर जैसे हमने ऊपर लगाया है यहाँ पर भी लगा सकते हैं इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। और अगर चाहे तो आप इसको इन्वर्टर से अलग से यूज़ करना चाहे तो यहाँ पर दोनों स्विच अलग अलग करने होंगे, यानी इन दोनों के बीच में छिला हुआ वायर नहीं लगाना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये मैंने सिर्फ एक सॉकेट इसका बिजली के साथ यूज़ किया है। अब चलिए यहाँ पर मेन सप्लाई का जो वायर है वो यहाँ पर छिले हुए वायर पर जहाँ हमने छिला हुआ वायर लगाया है उसके ऊपर मेन सप्लाई का फेज़ वाला वायर लगाएंगे और जो ये हमने एक पॉइंट न्यूट्रल का बनाया था यहाँ पर हम इस न्यूट्रल के वायर को लगाएंगे तो ये इसके कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए इस वायर को छील लेता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं इस न्यूट्रल के साथ दूसरा जो वायर है ये दोनों मेन की सप्लाई मेन सप्लाई की दोनों वायर हैं, एक फेज़ वाली और एक न्यूट्रल वाली। तो यहाँ पर दोनों वायर इसके मैंने लगा दिए हैं, एक न्यूट्रल पर और एक फेज़ पर। अब देखिए इसको सप्लाई देकर देखेंगे और उसके बाद इसमें बल्ब भी लगाकर चेक करेंगे कि किस तरह से ये इसमें सप्लाई आ चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सप्लाई चालू कर दी है। अब जैसे ही मैं इसमें
ये बल्ब लगाकर चेक करूँगा तो ये मेरा बल्ब ग्लो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों पॉइंट पर ये मैंने बल्ब के दोनों वायर लगा दिए हैं और जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ तो बल्ब ग्लो हो जाता है और ऑफ कर बंद कर देता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। अब चलिए इसे कनेक्शन अंदर की ओर से कर देते हैं, एक फ़ैन का और एक बल्ब का, यानी इसी तरह से आप जितने भी पॉइंट हैं सबको इसी तरह से कनेक्शन करना होता है। यानी जिस तरह से ये फ़ैन और बल्ब का मैं कनेक्शन करके दिखाऊंगा ठीक इसी तरह से आप सभी पॉइंट के कनेक्शन करेंगे। दो हर पॉइंट में दो वायर होते हैं और एक वायर हर पॉइंट का इस स्विच पर जाता है और दूसरा न्यूट्रल पर जाता है। तो देखिए ये स्विच पर मैंने एक बल्ब का वायर लगाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ऊपर वाले पॉइंट पर, और इसका जो दूसरा वाला सिरा है वो यहाँ पर जो दूसरा न्यूट्रल वाला पॉइंट है वहाँ पर यहाँ लगाएंगे जहाँ पर हमने न्यूट्रल की वायरिंग की थी, ये देखिए ये। तो इसका दूसरा वाला सिरा यानी जो बल्ब के दो वायर हैं, एक वायर स्विच पर चला गया है और दूसरा वाला वायर यहाँ पर इस न्यूट्रल पर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक अलग से वायर इसमें जोड़ लिया है जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो जाए, नहीं तो इस सॉकेट के अंदर ही कनेक्शन भरे जाते हैं। अब देखिए ये वायर हो जाता है फ़ैन का, तो फ़ैन का वायर आप समझ लीजिए फ़ैन में भी दो ही वायर हैं, यानी हर चीज़ में दो ही वायर होते हैं। तो फ़ैन में भी देखिए दो वायर हैं और बल्ब में भी दो वायर हैं। अब देखिए फ़ैन का एक वायर हमने जो रेड कलर का है वो यहाँ पर इस स्विच के ऊपर लगाया है, जैसे यहाँ पर ये बल्ब का लगाया था ठीक इसी तरह से ये फ़ैन का यहाँ पर लगाया है ठीक। अब इसी तरह से इसका जो दूसरा वाला वायर है ये वाला, वो न्यूट्रल पर चला जाएगा, जैसे हमने बल्ब का वायर यहाँ पर लगाया था ठीक इसी तरह से ये वाला वायर भी इसी न्यूट्रल पर लगाएंगे। यानी जितने भी पॉइंट हैं हमारे उन पर का एक एक वायर स्विच पर चला जाएगा और दूसरा वाला जो वायर है वो इस न्यूट्रल पर आ जाएगा। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब हो या फैन हो वो ऑन हो जाएगा यानी चालू हो जाएगा। तो देखिए अब ये यहाँ पर जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूँगा तो मेरा बल्ब भी ग्लो हो जाएगा और फैन भी चालू हो जाएगा। यानी फ़ैन वाला स्विच ऑन करूँगा तो फैन चलेगा और बल्ब वाला स्विच ऑन करूँगा तो बल्ब ग्लो होगा। तो इस तरह से मान लीजिए हमारे 10 पॉइंट हैं और 10 ही इसके बोर्ड के अंदर स्विच हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हर पॉइंट के दो दो पॉइंट दो दो वायर होंगे, एक वायर हम इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगाते जाएंगे और दूसरा वाला वायर न्यूट्रल पर लगाएंगे इस वाले न्यूट्रल पर, तो यहाँ हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो वो जो भी आपने पॉइंट बनाया है वो चालू हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मैं इन्वर्टर की भी कनेक्शन करके बताऊंगा और बिजली की भी कनेक्शन करके बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।